हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम के ऊपर डिस्कशन। डीएम क्या सोचते हैं, क्या जजमेंट्स पास करते हैं डीएफ के ऊपर। और ये मुझे आया कल रात की बातों से, जब मैं कल रात अपने क्लाइंट को बहुत ज्यादा फोर्स करने की कोशिश कर रही थी कि वो यूपीएससी का गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन को के साथ साथ कुछ और प्लान बी भी रखे। और मुझे बहुत कुछ आया तो मैं ये डाउनलोड आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह से वाईफाई का प्रॉब्लम था और वाईफाई का प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व हुआ मैं आ गई आप लोग के पास वीडियो लेकर। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ये डिस्कशन वाला वीडियो है गाइस, और इसके आगे मैं एक 5 मिनट का टैरो वीडियो भी डाल दूंगी। ठीक है, तो जैसे ही डिस्कशन खत्म होगा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस टॉपिक के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं कि डीएम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, पहली बात ये कि अगर मैं डीएम एनर्जी में थी और सामने वाला जो है डीएफ एनर्जी में रोते धोते मुझे दिखाई दे रहा है, और जो पढ़ाई का टाइम है वो वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए गाइस। जब मैं डीएम एनर्जी में होती हूँ तो जो बंदा अपना रोना धोना कर रहा है किसी चीज को लेकर के और बिना बात के, मतलब लगता है वो, क्योंकि मैं डीएम एनर्जी में हूँ तो, और आप अपने डीएम के पास जा रहे हो अपना रोना गाना कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, वो पैसों और करियर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, और उसको लग रहा है कि ये सामने वाली जो बंदी है इसको करियर से कोई मतलब ही नहीं है, करियर से कोई लेना देना ही नहीं है, और ये कोई कभी कुछ लाइफ में कर नहीं पाएगी, ये वेस्ट करती है अपने पेरेंट्स की का मनी। और गाइस ये डीएम के व्यूज है। ठीक है, मैं नहीं कहती कि आप अपना रोना गाना जाके डीएम के साथ मत करो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये समझ के करो कि सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार भी है या नहीं। ठीक है, सामने वाले की क्या मेंटालिटी है जब आप अपना रोना गाना कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं भी जब डीएफ में होती थी और मेरे को मतलब मैं वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते थे मुझे वर्क प्लेस पे, और मैं अपने डीएम को कॉल करके बताती थी, देखो ना आज इस, क्योंकि मैं और मेरे डीएम एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे तो बहुत आसान था मेरे लिए उनको कॉल करके ये बोला इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, लेकिन उसका मेरे ऊपर क्या इमेज बना कि मतलब क्या ये इसने दुनिया देखी नहीं है, ये सीरियस ही नहीं है, इसको कुछ बुकिश नॉलेज के अलावा आता ही नहीं है। ये सब कल के रात के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मुझे रियलाइज हुआ। ऑब्वियसली मैं अपने डीएम को इस बात पे जज नहीं करूंगी, लेकिन डीएम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी गारंटीड नहीं है कहीं तो उनको वो काम करना ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं जब प्रोफेसर बनने वाली थी तो एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है नेट सेट करके, वो देना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए प्रेपरेशन लगती है जैसे यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स के लिए लगती है, और जितना टफ हर एक एग्जाम गवर्नमेंट का उतना ही टफ होता है। आप लोगों को भी पता होगा अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो या आपने कभी प्रिपेयर करने के लिए एस्पायर किया होगा तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अब सामने वाला जो है, हम एग्जाम दे चुके, हम एग्जाम क्लियर कर चुके, हम 4 साल एग्जाम देने में लगाए, 4 साल मतलब 3.5 साल जो भी है, 4 साल हमको प्रोफेसर बनने में लग गए। एम कॉम से शुरुआत कर रहे थे और जाकर 2016 में बने, और जो सामने वाली है वो 4 साल से अभी भी बस खाली तैयारी किए जा रही है, और मैं डीएम एनर्जी में चली गई हूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था ये समझ पाना कि सामने वाली जो है वो डीएफ एनर्जी में है और मैं उसको बोल रही हूँ कि फाइंड अदर वेज, फाइंड इजी वेज टू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, जो भी एग्जाम तुम यूपीएस जो बनना चाहती हो उसके दूसरे रास्ते भी खोजो, दूसरे रास्ते भी ढूंढो। डीएम को हमेशा लगता है कि डीएफ कभी प्रिपेयर्ड नहीं होती है मेंटली, और वो किसी भी चीज में कूद जाती है। दो उनके मन में ये इच्छा है कि काश मैं कभी डीएफ के जैसा बनूं और कूद जाऊं सीधा बिना कोई रिस्क का और फ्यूचर का टेंशन लिए, पर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं और डीएफ को भी उस चीज पे जज किया ही जाता है। ठीक है, तो जब अभी इस टॉपिक पे वापस आते हैं, जब मैंने एग्जाम क्लियर किया और मैं
ने कॉलेज ज्वाइन किया एज अ प्रोफेसर, तो उसके बाद जो मतलब मेरे क्या कह सकते सीनियर्स ही कहेंगे उनको, मैं कुछ इतना उनको पॉपुलर नहीं करना चाहती और ना ही ज्यादा सोशल मीडिया पर पिट्टी लेने के जैसा करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि क्यों मैं उसके साथ आर्ग्यू कर रही थी कि ये यूपीएससी एग्जाम उसने नहीं करना चाहिए। ये बेसिस आपको जानना जरूरी है और उसके बाद डीएम कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मैं डीएम एनर्जी में थी तो ये क्लियर करना जरूरी है गाइज आप लोगों के साथ कि मैं इसको क्यों मना कर रही थी। ठीक है, तो जब मैं वहां पर थी तो काफी ज्यादा जो सीनियर्स थे वो हमेशा मेरी कंप्लेंट्स लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में कि भाई इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो ये अपने काम को सीरियसली नहीं लेती, और बहुत ज्यादा जेलसी थी उनको, ऑब्वियसली थी गाइज मेरी में डीएम से, और उनकी वो जिस जगह पे मैं काम करने गई थी, जिस जगह से मैं पढ़ के उस जगह काम करने गई थी, पथेटिक, मैं उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती। मैं ऐसे कॉलेजेस में कॉलेज में पढ़ी हूँ जो पुणे का टॉप 2 या 3 में आता है, और जिस कॉलेज में मैं पढ़ाने गई थी उस कॉलेज का छोड़ ही देते नाम तक कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरा करियर का फर्स्ट स्टेप था, कोई और जगह पे जॉब मिल नहीं रही थी इसीलिए वहां पर जाकर काम करना जरूरी था, और वहां पर ही डीएम था तो वहां पर काम करना जाकर जरूरी था तो ही हम अपने डीएम से मिल पाते। तो ऑब्वियसली गाइज हमको पता है कि कार्मिक्स कैसे बिहेव करते हैं डीएफ के साथ, तो मैंने वो सब फेस किया था। एक टाइम पे ऐसे भी आया था जब मैं सीनियर्स ने इतना मतलब मेरी कंप्लेन कर दी थी, इतना परेशान हो गई थी मैं एंजाइटी में कि मैं हार्ट में पेन होने लग गया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि आज तो मैं गई, लाइक लिटरली बता रही हूँ गाइज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग मेरे अपने हो। और ऐसे भी टाइम आया जब हम कॉलेज से भगा दिए गए थे, एक्चुअली में हम डर के भागे हैं, उस कॉलेज को छोड़ा है हमने, क्योंकि जो इंटेंसिटी थी ऑफ पॉलिटिक्स और वो सब वो बढ़ती जा रही थी हर साल, तो और हमको सीधा मुंह पे भी कहा जाता था टाइम्स की तुमको क्यों काम करने की जरूरत है, तुम्हारी तो लाइफस्टाइल काफी अच्छी है, तुम अपने घर पे क्यों नहीं रहती, जाओ आराम करो, तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी हमको सुनने में मिल गई थी। और हमारा ऐसा था कॉलेज में कि हमारा डिपार्टमेंट अलग और जो सामने वाला कॉमर्स का डिपार्टमेंट और फिर और भी डिपार्टमेंट के लोग वहां पर साथ में बैठते थे एक ही स्टाफ रूम में, तो ऐसा था कि अगर हमने उनसे दोस्ती कर ली तो उसी डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स हमको दे दिए जाते थे, जैसे अगर हमने साइंस डिपार्टमेंट के साथ दोस्ती कर ली तो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स काट के हमको बीबीए और बीसीए के सब्जेक्ट्स दिए जाते थे, होटल मैनेजमेंट वालों से दोस्ती कर ली तो यहाँ से निकाल के उधर भी अकाउंट्स होता है तो उधर जाके अकाउंट्स पढ़ाओ, उधर के ज्यादा सब्जेक्ट्स दे देते थे, ऐसा तक कर देते थे वो लोग बहुत ज्यादा, और फिर यहाँ तक कि गाइस की चेक भी करने आते थे कि हमने वो जो है सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या वहां पर बैठ के अपने दोस्तों के साथ खा पी रहे हैं और ऐश पानी कर रहे हैं वर्क प्लेस पे। और जो साथ में हमारे ग्रुप में थे, एक एक ग्रुप बनाया गया था अलग अलग टास्क के लिए, तो हमारे ग्रुप को हमारे अगेंस्ट कि वो एचएम में मतलब जो है बैठ के बहुत ज्यादा मस्ती करती रहती है, और बहुत कुछ जो है हमने फेस किया था 4 साल, और हम फिर वहां से भाग आए। और एंड इंसिडेंट तो हमने कम्युनिटी पोस्ट पर लिखा ही है, उसके बारे में तो क्या ही बोल ले कि जो सीनियर थे खुद ही रीडिंग्स लेकर के हम अपने हस्बैंड को हमारे अगेंस्ट भड़काना और फिर हस्बैंड ने आके हमको मारने की कोशिश करना फिजिकली, तो हम वहां से एक्चुअली में कह रहे हैं डर के भगाए गए थे कह सकते हैं, तो ऐसा वाला सिचुएशन हमारे वर्क प्लेस पे हो गया था। अब 4 साल हमको लगे हैं एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में, जब हम एम कॉम से लगे हैं तब जाकर हम 2 साल बाद क्रैक कर पाए हैं वो एग्जाम, और उसके बाद हमको ये सब फेस करने को मिलता है, तो जब हमको सामने वाला गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कह रहा है कि हमको देना है तो एज अ डीएम हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए कि मत दो, क्योंकि हमारे फियर्स और नेगेटिविटी जो हम फेस करके आए हैं वही हमको सामने से गाइड कर रहा है कि नहीं गवर्नमेंट एग्जाम नहीं देना चाहिए। अभी हमने तो सिर्फ अपने लेवल का देखा है, हमें और लेवल का पॉलिटिक्स की तो कोई आइडिया भी नहीं है, ठीक है। और डीएफ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली अच्छी होती है और डीएफ की लिविंग बहुत ही ज्यादा बेटर होती है दूसरों से जो काम करने आ रहे हैं, तो और डीएफ ने ऑब्वियसली एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहती है, बाहर का कुछ नहीं देखा होता है,
तो मेरा पहला इंस्टेंट रिएक्शन, और मैं उस पूरी रात सुबह के 4 बजे तक यही उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि कोई और चीज कर लो या कोई और रास्ते से उस जॉब में घुस जाओ। इतनी मेहनत करके अगर तुम उस जॉब में गई और बाद में तुमने 1-2 साल में तुम भाग गई, तो इतनी मेहनत पूरी पानी में चली जाएगी। यही मेरा, और मेरे को जो नेगेटिविटी हो गई थी एज अ डीएम कि नहीं, मतलब ये सब करने का कोई मतलब नहीं, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। आप लोग को तो पता ही होगा यूपीएससी का एग्जाम कितना डिफिकल्ट होता है। उसके बाद अगर ये सब फेस करने को मिले तो इट्स क्लियरली नॉट वर्थ इट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पे मैं जज कर रही थी और मना कर रही थी उसको। डीएम भी यही करते हैं गाइस, डीएम के पास्ट एक्सपीरियंसेस और ये सब के बेसिस पर ही वो डीएफ को समझाना चाहते हैं कि मत आओ इस डीएफ के रास्ते में। वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को ब्लॉक करना चाहते हैं, डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं, जो जरूरी होता है वो करते हैं डीएफ को भगाने के लिए, बिकॉज उनको पता है उनका सिचुएशन और उनको पता है कि इतना रिस्क और अनसर्टेनिटी और ये सब उठा करके, इतनी मेहनत करके, इनर वर्क करके, अगर ये मेरे पास आके रहने वाली मेरे साथ, तो ये 6-8 महीने में भाग जाएगी, मेरे साथ रह भी नहीं पाएगी। ठीक है, तो डीएम को ऐसा लगता है क्योंकि इनर वर्क करने से कोई चेंजेस आते हैं, ऐसा डीएम को कोई विश्वास नहीं है, डीएम को इस जर्नी पे कोई आइडिया नहीं है। ये डीएम का पर्सनल डर है, अगर उनको पहले रिजेक्शन या प्यार मिला है और उनका बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हुआ है, तो ये उनके पास फियर से गवर्न्ड है कि वो डीएफ को मना कर दे रहे हैं और खुद ही इस कनेक्शन को ब्लॉक करे जा रहे हैं कि नहीं मत आओ मेरे पास, क्योंकि उनको लव, एक बार डीएम को कोई लेसन मिल गया, डीएम कभी वापस दोबारा उस जगह पे पैर नहीं रखेंगे। डीएम का ईगो होता है, डीएम के बहुत ज्यादा चीजें होते हैं। डीएफ तभी भी बोलेगी ठीक है मेरे को 50 बार पहले भी रिजेक्शन मिल चुका है, मैं इधर भी ट्राई कर लेती हूँ, शायद मेरे एफर्ट्स का जो फल है वो मुझे मिल जाए, है ना। डीएफ कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो डीएम डीएफ को ऐसे परसीव कर लेते हैं कि भाई अरे ये तो उसको कुछ नहीं पता, इसने कोई दुनिया नहीं देखी, ये पढ़ी लिखी गवार है, इसको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो इसने खाली अपने घर की दुनिया देखी और बुक्स पढ़े और उसके अलावा इसने रियल दुनिया देखी ही नहीं है, तो वो हमको अपने पास रखना ही नहीं चाहते। ये उनका डर नहीं है, उनको ट्रिगर्स भी होते हैं जो मैंने आज तक आप लोगों को बताया, लेकिन एक ये भी होता है कि जब मैं सामने वाले को देख रही हूँ, वो उसकी लाइफ काफी ज्यादा टफ है, रह चुकी है, जिसने जो यूपीएससी एग्जाम देना चाह रही है उसके लिए इतना ज्यादा लाइफ टफ हो चुका है, उसको इतने डिप्रेशन से गुजरना पड़ा है, और डीएफ का डिप्रेशन इतना ईजी नहीं होता है। डीएफ को जो डिप्रेशन होता है वो मल्टीपल ट्रॉमा से होता है कि भाई बचपन ने फैमिली ने भी रिजेक्ट कर दिया, फिर फ्रेंड्स ने भी रिजेक्ट कर दिया, फिर सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, फिर 2-3 लड़कों ने भी रिजेक्ट कर दिया, फिर डीएम ने भी रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने ट्राई किया होगा तो, नहीं तो डीएम अगर आपका पहला है तो पहली बार में इतनी बार रिजेक्शन, अगर कार्मिक आए हैं तो उन्होंने इतना टॉक्सिक किया है, वर्क प्लेस में इतना टॉक्सिक रहा है, और हम लोग जो है ये रोना गाना जाकर डीएम के सामने कर लेते हैं, तो डीएम को क्या लगता है इस सामने वाली बेचारी का लाइफ ही इतना खराब रहा है, मेरे साथ रहेगी और इसकी जिंदगी खराब होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि डीएम हमें नहीं प्यार करते या हमें नहीं पसंद करते या हमें नहीं चाहते, ये उनका डर भी हो सकता है कि मैं इस रास्ते से गुजरा हूं और मेरा दिल टूटा है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो डीएम अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। एक इंसिडेंट होता है डीएम के लाइफ में, बस एक इंसिडेंट होता है जो डीएम की लाइफ बदल देता है, एक पावरफुल इंसिडेंट होता है, हमारे 10 इंसिडेंट के बराबर उनको लगता है उनका एक इंसिडेंट है। मैं उनको लगता है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ का सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, ठीक है, तो ऐसा मौका ही नहीं देते, दे आर वेरी रिएक्टिव, वेरी डिफेंसिव, नहीं तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी बात सुनो, मैं ही सही हूँ, मैंने ही दुनिया देखा है, तुम अपने घर के कमरे में थी, तुमने क्या ही दुख देखे होंगे, तो यही डीएम का एटीट्यूड रहता है, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है कि डीएम डीएफ के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होने लग जाता है और कहता है कि भाई नहीं, अब ये जो है मेरे को इससे को दूरी रखना है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गए हैं और मेरे साथ रह ही नहीं पाएगी, ये फॉर गारंटी है उनके मन में, तो इस वजह से ये कनेक्शन नहीं हो सकता, ब्लॉक कर दो, और ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ नहीं होता, वो मानने को ही तैयार नहीं है।
मानने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि फिर उनके साथ उनको अपना पता है ना, और उनको पता है कि कुछ जिस सिचुएशन और जिस कंडीशंस में वो अपने घर पे रह रहे हैं वो कभी नहीं सुधरेंगे उनके हिसाब से। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ गाइस, उनके हिसाब से, क्योंकि उनको इनर वर्क का पावर पता ही नहीं है, उनको सही इनर वर्क क्या होता है पता ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, बस दुनिया के ज्ञान के बेसिस पे बोलते रहते हैं वो लोग। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि डीएम आपका यूनियन ब्लॉक कर दे, आपको मनाने की कोशिश करे, जाओ कहीं और जाके शादी कर लो, मेरा पीछा छोड़ो, और कभी कभी रूड भी हो सकते हैं, कभी कभी एरोगेंट भी हो सकते हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब करके ना वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ से जो बहुत ज्यादा टफ है उनके हिसाब से। और अगेन मैंने बोला उनके हिसाब से, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ है और आप उसमें फिट नहीं होती हो, आप उस लाइफस्टाइल में नहीं जी पाओगे क्योंकि आप तो एक राजकुमारी हो। डीएफ की लिविंग और डीएफ की चाल चलन और डीएफ के पेरेंट्स का बिहेवियर भले ही उनको रिजेक्ट करने वाला हो, बट जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल डीएफ के पेरेंट्स उनको देते हैं, सब कुछ हाथ में लाकर देते हैं, सब कुछ हाथ में मिलता है, सब 10 तरीके के कपड़े ऐसे ही गिफ्ट में मिल जाते हैं, सब कुछ हाथ में मिल जाता है, सब खुशी खुशी दिखता है डीएम को, ठीक है, उनको ऐसा लगता है माँ बाप ने सब कुछ तो ला के दिया, इसको किस बात का रोना गाना, समझ रहे हो आप लोग। तो यही वाला प्रॉब्लम हो जाता है जिसके वजह से डीएम जो है डीएफ को फिर उनको बात करते करते लग जाता है अरे ये इसको इसने भी रिजेक्ट कर दिया, उसने भी, ये पहले ही बहुत दुखी है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई इसको दूर करो क्योंकि ये मेरे साथ नहीं रह पाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैच नहीं होते, राजकुमारी है, ये है, वो है, वो तो प्रैक्टिकल रीजंस हो गए। उसके बाद हमने जब बोला इसने भी मेरे को हर्ट किया, ऐसे हुआ मेरे साथ, वो मेरे को धोखा देके चली गई, तो डीएफ का रोना वो देख नहीं पाते, उसके बाद उनको केयर और कंसर्न आ जाता है और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं 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 इसको हमसे दूर रखो, हम इससे भी ज्यादा वर्स है जो उसने फेस किया हुआ है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये टॉपिक मुझे ज़रूर बताइएगा डिस्कशन में, और आपका एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चल आते हैं वापस कि मैंने क्या किया उसके बाद। तो मैं उसको ये समझा के अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे के करियर काउंसलिंग के थक गई, सुबह के 4 बज गए और मैंने उसको बोला, उसने मुझे बोला ठीक है दी अभी हम सो जाते हैं, मैंने ठीक है, मैं जाने के सोने लग गई, पर सोने से तुरंत 5 मिनट में ऐसे आंखें बंद ही की मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो डीएम एनर्जी में थी और मैंने इसको फोर्स कर रही थी, या तो कन्विंस नहीं, फोर्स कर रही थी कि मत करो, ये सब वॉज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस, और इसीलिए डीएम शायद यूनियन भी ब्लॉक करते होंगे। और इसीलिए गाइस मैंने सोचा ये वीडियो सबसे पहले आपके सामने लेके आती हूँ, और दूसरा वाला वीडियो का गाइस 5-10 मिनट की ट्विन फ्लेम वाली रीडिंग का, तो इसमें जरूर मेरे साथ कम्युनिकेशन बनाइएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे गाइस 5-10 मिनट के बाद, एक ब्रेक के बाद, और आगे की टैरो रीडिंग में आप लोग के लिए साथ जरूर शेयर करूंगी। बाय।